हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है पीहू का बर्थडे 7 जुलाई, एंड सुबह सुबह वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई है। और थोड़ा सा हमारे घर में पूजा होता है बर्थडे के दिन, सो वही हो रहा है। सुबह सुबह वो नहा धो के रेडी हो गई है और उसको थोड़ा सा पूजा करके वो भगवान जी का आशीर्वाद ले रही है। बस पूजा होने के बाद वो सबका आशीर्वाद ले रही है। मैं बोल रही थी ना, हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं, सो मेरे इन लॉस आए हुए हैं, मम्मी पापा मेरे देवर बड़ी मम्मी सब आए हुए हैं। सो उसका बर्थडे सेलिब्रेशन भी जो है वो बहुत अच्छे से हुआ। मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन और पीहू का बर्थडे का सेलिब्रेशन एक ही दिन में दिखा रही हूँ, क्योंकि उसका 7 जुलाई को होता है और मेरा 9 जुलाई को होता है, और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला वीडियो शूट करने के लिए, इसीलिए मैं एक ही वीडियो में दिखा रही हूँ। सो सुबह सुबह उसको एक गिफ्ट मिल गया है जो उसके चाचू ने उसको दिए हैं, और वो उसका 36 का आंकड़ा रहता है। अपने चाचू के साथ झगड़ती भी है और सबसे ज़्यादा प्यार भी उनको ही करती है। सो उसका फेवरेट गिफ्ट जो है वो उसके चाचू लेके आए हुए थे, देख लीजिए, किंडर जॉय, जो कि पीहू को बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो सुबह सुबह ये वाला गिफ्ट देख के बहुत खुश हो गई है। इसके बाद वो स्कूल चली जाएगी। उस दिन लिटरली मुझे टाइम नहीं मिला कुछ भी शूट करने के लिए, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा भीड़ था और काम भी बहुत ज़्यादा था। सो वो स्कूल के आने के बाद उसको मैं खिला के सुला दी और वो सो रही थी, तभी हम लोग जो है डेकोरेशन कर दिए। वो उठ गई थी फिर 4 बजे के आसपास। सो थोड़ा सिंपल सा डेकोरेशन किए हैं, और हम लोग इस बार रखे थे डोरेमोन वाला थीम, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस बार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा सिंपल ही रखे हैं हम लोग। फिर देख लीजिए, उसके जो फ्रेंड्स हैं हमारे नेबर्स तो जो बच्चे थे वो आए हुए थे और थोड़ा बहुत डांस भी कर रहे हैं। इस बार घर पे खाने पे भी हम लोग कुछ नहीं बनाए थे, जो भी खाना था डिनर था हमारा वो हम लोग बाहर से ऑर्डर कर लिए थे। और ये छोटी सी बच्ची को देखिए कितने प्यार से, वही सबसे ज़्यादा आई थिंक एंजॉय कर रही थी पार्टी को। इसके थोड़ी देर बाद ही हम लोग जो है केक कटिंग कर दिए लगभग 8 बजे के आसपास, और उसके बाद हम लोग डिनर कर दिए। थोड़ा बहुत मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। पीहू के पास उसकी कज़न सिस्टर खड़ी है पिंक ड्रेस में, देन उसकी फ्रेंड है और एक पिंक कलर ड्रेस में जो हैट पहन रही है वो भी उसकी हमारी नेबर है, और फिर पास में मेरे फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, फिर मेरी बड़ी मम्मी है, और बाकी सब घर वाले ही है। मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं सामने आके आपसे कुछ बात कर सकूँ या पीहू के पास भी खड़ी हो सकूँ, इतनी ज़्यादा बिजी थी मैं। फिर हम मिलते हैं मेरे बर्थडे सेलिब्रेशन पे, और ये वाला क्लिप जो है ये थोड़े दिन पहले का है, मतलब जो तिथि वाला बर्थडे होता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, सो हम लोग उड़िया में बोलते हैं तिथि वाला बर्थडे। सो ये उस दिन का सेलिब्रेशन है जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और जो डेट वाला 9 जुलाई को जो मेरा बर्थडे हुआ, उस दिन इतना हम लोग के पास टाइम नहीं था कि हम लोग कहीं जाए सेलिब्रेट करें। जितना एक्साइटमेंट होता है ना वो पीहू के बर्थडे में ही हमारा ख़त्म हो जाता है, खास करके मेरा, तो मेरे बर्थडे तक और कोई एक्साइटमेंट मुझे रहता ही नहीं है। सो हम लोग बस डिनर करने के लिए बाहर आए हुए थे। सो डिनर करने के लिए पीहू का फेवरेट प्लेस है बारबेक्यू, क्योंकि वो वहाँ पे एंजॉय कर पाती है, उसके जो भी फेवरेट चीज़ें होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, और सबसे मेन बात वो वहाँ पे खेल सकती है, वहाँ पे एक छोटा सा प्ले एरिया भी होता है। सो हम लोग यहाँ पे आए थे एब्सोल्यूट बारबेक्यू में, क्योंकि उस दिन वीकडे था तो हमने सोचा प्री बुक करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वीकडेज़ में इतना ज़्यादा भीड़ होता भी नहीं है, इजीली टेबल अवेलेबल रहता है। लेकिन जब हम लोग वहाँ पे गए तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि टेबल मिलना भी मुश्किल हो गया था। हम लोग वहाँ पे 15 मिनट वेट किए, उनसे कंफर्म किया कि आप लोग 2 लोग के लिए एक टेबल दे सकते हैं कि नहीं, और फिर 15 मिनट बाद उन्होंने कंफर्म किया कि ठीक है मिल जाएगा, तो फिर जाके हम लोग वहाँ पे बैठे, अदरवाइज़ हमारा प्लान था फिर कहीं और जाने का। मैंने कोशिश किया हुआ है थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, इतना ज़्यादा तो शूट नहीं कर सकती बाहर, और दूसरी बात बहुत भीड़ भी था तो शूट करना पॉसिबल भी नहीं हो रहा था वहाँ पे। सो ये कुछ स्टार्टर वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, चाट्स वगैरह अवेलेबल है,
और बाकी सारे जैसे कि नूडल्स वगैरह हो गया, वो सब भी अवेलेबल है यहाँ पे, आपकी मर्ज़ी आप लोग खा सकते हो। मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, और वहाँ पे नॉनवेज का बहुत ज़्यादा ऑप्शन था, चिकन हो गया, मटन हो गया, डक हो गया, बाकी सारे अवेलेबल थे, जिससे हम लोग ने वो वाला कुछ भी नहीं खाया। इन स्टार्टर में से पीहू ज़्यादा कुछ तो खाती नहीं है, जो क्रिस्पी कॉर्न रहता है वो खाती है, और कभी कभार जो चिकन रहता है वो खाती है, या फिर तंदूरी चिकन अगर स्पाइसी ना हो। सो इस बार जो था वो लोग स्पाइसी बना लिए थे, तो इसीलिए पीहू को मतलब पसंद नहीं आया खाना वो। और गौर से देखिए ये इंसान को जो सामने येलो कलर में है, जो कि हमेशा मोबाइल में बिजी रहते हैं, मेरा बर्थडे था फिर भी वो मोबाइल पकड़े हुए अपना काम ही कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम द जोक, क्योंकि वो वीकडे था। सो वो मतलब तय ही था कि मतलब वो फ़ोन में बिज़ी रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे होता है तो वो मोबाइल से थोड़ा फ्री रहते हैं, क्योंकि वीकडे था। तो हम लोग जल्दी जल्दी मतलब 7 या 7:30 को निकल गए थे, तो पॉसिबिलिटी था कि वो मोबाइल में ही बिज़ी रहेंगे। कहाँ पे आई हो? कौन सा रेस्टोरेंट? कौन सा बारबेक्यू? नहीं पता। लंच में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे राइस है, दाल मखनी है, ये वाला सेक्शन जो था वेज वाला था, आलू था, और भी बहुत सारे सब्जी थे वेज में। तो हम लोग नॉन वेज खाते हैं, तो ज़्यादा वेज से मैंने कुछ उठाया नहीं है। चाइनीज़ में था आपका नूडल्स था, देन चिली चिली पनीर या चिली गोभी कुछ इस टाइप का था, ये सब सैलड्स में अवेलेबल है। फिर नॉन वेज में आपका एग, चिकन, मटन, सूप, ये सब अवेलेबल था, और बिरयानी भी अवेलेबल था, क्योंकि स्टार्टर से पेट फुल हो जाता है हमारा। सो मैं जो मेन कोर्स है उसमें कम लेना प्रिफर करती हूँ। सो यही था मेरा मेन कोर्स वाला थाली, जिसमें मैंने थोड़ा सा वेज बिरयानी, थोड़ा सा चिकन बिरयानी, थोड़ा सा सलाद, अचार और नूडल्स, और चिली गोभी या फिर चिली मंचूरियन कुछ भी था वो वाला मैंने खाया। और वहाँ पे एक बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था, तो पीहू उसको देख के बहुत सैड हो गई कि मम्मी का बर्थडे क्यों सेलिब्रेट नहीं हो रहा है, उनका हो रहा है। सो इसलिए वो सैड हो गई थी। थोड़ी देर बाद मेरा भी सेलिब्रेशन हुआ, सो मैंने उसको, वो जितना भी खाती है उसके बाद मैं कोशिश करती हूँ कि उसको मैं जो उसका फुल मील रहता है वो दूँ, तो मैंने उसको कर्ड राइस दिया था। एंड फाइनली मेरा केक कट हो रहा है, सो वहाँ पे केक भी देते हैं वो लोग एट द एंड, अगर आप उनसे बोले कि बर्थडे है या एनिवर्सरी है। सो वो केक हमने वहाँ पे खाया नहीं है, सो वो मतलब केक कट करने के बाद हम लोग पैक करवा के घर ही ले आए, और घर लाने के बाद वो पीहू ही खाती है, क्योंकि मुझे केक्स वगैरह इतने पसंद नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड को केक्स पसंद है, और पीहू केक में सिर्फ और सिर्फ क्रीम ही खाती है। सो उसके लिए हम लोग वो पैक करवा के ले आए थे। जब वहाँ से निकल के नीचे आए तो देखा बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, और लेट भी हो गया था, करीबन 10 बजे के आसपास हो गया था। हम लोग घर पहुँच गए और देखिए यहाँ पे बारिश हो रहा है, और पीहू की मस्ती बारिश में, हम लोग भी थोड़ा बहुत जो है भीग गए हैं। सो आज का वीडियो इतना ही है, आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।